कहानी होगी नरसिंह भगत के किस्से से। और समय के बाद कि जब मेहरबानो भात भरने के लिए नरसिंह जी एक टूटी सी गाड़ी और मोटे भाइयों को लेकर के सिरसागर में भात भरने के लिए पहुंचाते हैं। कौओं के खरक में रोक दिया जाता है। हरनंदी पहुंचती है, जाकर के देखती है तो किस तरह से कहने लगी कि वापसी चला जा, जब तेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं था तो क्यों आया। अरे यहाँ पर हंसी होगी मेरी, मेरी दियोर जिठानी हंसी करेंगी कि इसका बाप आया है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे दोनों के सवाल जवाब होने लगे। क्या वो नरसी सेठ कह रहे हैं नरसी भगत, और क्या वो हरनंदी, दोनों के सवाल जवाब। आइए इस रागनी को लेकर के ज्ञानिंदर सरधाना प्रहलादपुर फरीदाबाद मैडम पूजा शर्मा मुजफ्फरनगर। ये बताया बोला हेरी हरनन दिले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। गौशाला चाला जा मने अपनी शान दिखावे ना।
जुलम ना करे मेरी लाडो चले जाइए यहाँ से पिताजी चले जाइए। मैं तेरे गुनाह ने माफ करूं बिखरी तू बेटी मैं बाप तेरा तेरा तोटे में पत्ती माड़ी होगी दिख रहा ढंग सांप तेरा। और आखिर में तेरा पिता लगूरी आखिर में तेरा पिता लगू मनरी कोड़ा मार भगावे ना मुझे आना पड़ा है। आए तो सही पिताजी लेकिन आपने यहाँ पर आकर मेरी जग हसाई करा दी पिताजी। बेटी ये टोटे की मार है टोटे की। चले जाइए पिताजी चले जाइए। तेरे ससुर मन सामल ने मैं चिट्ठी घेर बुलाया से की माया से धीरज धार सबर कर ले री धीरज धार सबर कर ले तू खोटी बात विचार रही। अगर पड़ोसन तायस पीतस मेरे कस कस ताने मार रही। रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान तू कर दिल में अहंकार रही। Oh,